नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी, आज हम मूव ऑन करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले एंगल्स के बारे में जानेंगे। आज हम नए कॉन्सेप्ट में हम क्या जानेंगे, आज एंगल्स के बारे में। देखो, एंगल्स कब कब फॉर्म होते हैं, पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंगल्स हम किसे कहते हैं। एक बात याद रखिए, जब भी लाइंस या लाइन सेगमेंट या रेज एक किसी भी दूसरी लाइंस या लाइन सेगमेंट्स या रेस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उस पॉइंट पे बनता है एक एंगल। जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन किसको काट रही है, एक लाइन सेगमेंट को काट रही है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये लाइन एल है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए ओ है, ठीक है। ये एल लाइन है और ये ए बी लाइन सेगमेंट है, और L लाइन AB लाइन को O पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे, जो O पॉइंट है ना वहाँ पे एंगल्स बनेंगे। ये चार एंगल्स ही एंगल्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं एंगल्स। अब एक और बात याद रखिए, जब भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे याद रखिए सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है, ये बात याद रखना। और जब भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को या लाइन को काटेगी, तो याद रखना कि सभी जो एंगल्स होंगे ना, वो एक दूसरे के क्या होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, एक दूसरे से मिलके लीनियर पेयर बनाएंगे। मतलब इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, इसी तरह से इन दोनों का सम भी 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। आज हमने एंगल्स के बारे में जाना था, आपको बता दिया मैंने एंगल्स होता क्या है। मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.3 पे, उसमें एंगल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व आउट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.3 देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उसने एक फिगर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी, ये आपका फिगर है, ये ए है, देन ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये इसने पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही फिगर बना रखा है, ए बी सी डी। अब उसने बोला है कि इसमें सारे एंगल्स का नाम बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल। एक और बात याद रखना, एंगल जब भी हम लिख के बताएंगे ना, तो उसमें जो वर्टेक्स रहेगी ना, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको वर्टेक्स करते हैं कहते हैं कोई भी क्लोज फिगर में, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन सी है, ए बी सी और डी, ठीक है। जब भी कोई भी एंगल हम दर्शाएंगे ना, वो एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा होगा ना, वो वर्टेक्स का नाम हमेशा मिडिल में रहेगा। जैसे कि बताता हूँ आपको एंगल, एंगल ए बी सी, ये हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए बी और सी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल ये हो गया, ठीक है, नंबरिंग डाल दे रहा हूँ आपको, इजीली क्लियर हो जाएगा। एंगल नंबर वन कौन सा है, आपने ये देख लिया, इसको हमने दे दिया एंगल नंबर वन का नाम। फिर एंगल नंबर टू बनाते हैं, एंगल टू सी है आपका, तो एंगल बी सी डी, इसको आप डी सी बी भी लिख सकते हैं, बी सी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना जो एंगल नंबर टू है उसका वर्टेक्स है सी, तो सी हमेशा सेंटर में आएगा। इसी तरह से थर्ड एंगल का नाम देते हैं, थर्ड एंगल है एंगल सी डी और ए, ये है थर्ड एंगल, डी इसमें सेंटर में है। वहीं फोर्थ की बात करें तो ये आ जाएगा एंगल डी ए और बी, एंगल डी ए बी, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। चार एंगल्स थे, इसमें चारों का नाम दे दिया, और याद रखना जो भी एंगल हम नाम दे रहे होंगे, जो भी एंगल का, उसमें जो वर्टेक्स रहेगी ना, जो एंगल के साथ वाले साथ में वर्टेक्स लगती है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होगा, वो वर्टेक्स हमेशा सेंटर में रहेगी नॉमेनक्लेचर में, उसके नाम लिखने में, ठीक है। इस तरह से हम इन एंगल्स का नाम लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में भी उसने एक फिगर दिया है और उसके आंसर्स हमको बताने हैं। फिगर क्या है, देखो रेस दिए तीन उसने, ठीक है, तीनों रेस इस तरह से मूव ऑन कर रही हैं, आपको नेम बताने हैं उसमें, जो जो उसने पूछा है वो बताना है, देखते हैं क्या क्या पूछा है। वर्टेक्स का नाम है ओ, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है ई, और यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट है ए,
देन उसके बाद ये पॉइंट है डी, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पे है पॉइंट एफ, ठीक है, और एक बाहर में पॉइंट है सी। समझ गए? सी ओ एफ, सी ओ एफ बी ई देन ए डी, बिल्कुल सही है। ये फिगर आपका सेकंड क्वेश्चन का है, इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि आपको एक रफ डायग्राम बनाना है जिस ऑफ दो एंगल्स, ठीक है, किसी किन्हीं दो एंगल्स को मिला के एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें फर्स्ट पार्ट है वन पॉइंट कॉमन हो। फर्स्ट पार्ट वन पॉइंट कॉमन, नहीं नहीं सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है उसने और पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में पूछ रहा है कि नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई, डी ओ ई जो एंगल है इसके इंटीरियर में एक पॉइंट का, कोई जो पॉइंट है उनका नाम बताना है, तो यहाँ पे लिख देंगे द पॉइंट, द पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई इज ए, सिर्फ ए ही एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल डी ओ ई के बीचों बीच आ रहा है, इंटीरियर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, इन द पॉइंट, पॉइंट लिखते हैं पहले, पॉइंट बता रहा है ना, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल बोल रहा है, डी ओ ई ओ एफ, ई ओ एफ इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर है, इंटीरियर वाला हो गया था, ये एक्सटीरियर है, इन द एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ। अब देखो ई और ओ और एफ, ई ओ एफ के बाहर में कौन कौन सा पॉइंट्स हैं, ई के बाहर में ए भी है, ई के बाहर में डी भी है और एफ के बाहर में सी है, तो कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट एंड डी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये तीन पॉइंट हो जाएंगे जो एंगल ई ओ एफ के बाहर में है। ई ओ एफ ये वाला एंगल है, इसके बाहर में ए डी और सी आ रहा है। थर्ड में पूछ रहा है कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं ई ओ एफ के ऊपर, पॉइंट्स ऑन ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ई ओ एफ के ऊपर की बात करें, ई पॉइंट भी उसी के ऊपर है, बी भी है, ओ बी ओ और एफ भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई बी ओ एंड एफ, ठीक है, एंड एफ। समझ गए आप कैसे पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स को पहचाना, क्या कह रहा था वो, सबसे पहले उसने पूछा था कि डी ओ ई एंगल के बीचों बीच कौन सा पॉइंट है, डी ओ ई ये वाला एंगल बन रहा है, इसके बीच में सिर्फ ए पॉइंट है तो ए पॉइंट हमने लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा था पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑन द एक्सटीरियर फ्रॉम द एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के बाहर में ए पॉइंट है, डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट और एफ पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है। उसके बाद पूछ रहा है पॉइंट्स ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर है ई बी ओ और एफ, ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि आपको रफ डायग्राम बनाना है ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। थर्ड का फर्स्ट है वन पॉइंट इन कॉमन, एंगल बनाना है वन पॉइंट इन कॉमन, एंगल्स हैविंग हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन, हाँ वन पॉइंट इन कॉमन पूछ रहा है, तो बना दो, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि जैसे हम एंगल्स की बात करें तो एक तो आपने एंगल बना दिया ये वाला देखो, ठीक है, और एक एंगल आपने बना दिया ये वाला देखो, इसमें सिर्फ पॉइंट ओ ही कॉमन आ रहा है ना, अगर हम बात करें इसकी, इसको नेम दे देते हैं ए, इसको नेम दे देते हैं बी, इसको नेम दे देते सी, इसको नेम दे देते हैं डी, तो ये देखो ये वाले और ये वाले एंगल में सिर्फ ओ पॉइंट ही कॉमन आ रहा है और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, देखो
बी पॉइंट में पूछ रहा है टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हूँ। देखिए एंगल्स हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पे है टू पॉइंट इन कॉमन, टू पॉइंट्स इन कॉमन। अब देखो हमने दो पॉइंट से एक कॉमन बनाए थे, अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट कॉमन बनाया था ना, अब देखो दो पॉइंट कॉमन कैसे बनाएंगे। इसी में से लास्ट वाली ये हटा दो और बाकी सेम का सेम रहने दो। यहाँ पे एंगल कौन कौन सा आ जाएगा, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल्स में पॉइंट बी ओ जो है वो कॉमन है। अब यहाँ पे सेम आ जाएगा पॉइंट ओ, ये था आपका डी और ये था आपका सी और ये था आपका बी। ये दो एंगल्स की बात करें तो देखो दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से एंगल हैं यहाँ पे, एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, इसमें दो पॉइंट कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, पॉइंट ओ एंड सी आर कॉमन। समझ गए कॉमन कैसे निकाले, यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है आपका पॉइंट ओ इज कॉमन। ठीक है, समझ आ गया आपको, इसमें एक पॉइंट कॉमन था, यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन निकाले कैसे, डी ओ सी एंगल में और बी ओ सी एंगल में दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं ओ और सी। इसी के बाद थर्ड पार्ट देखिए आपका, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट्स में भी सेम रहेगा, बस आपका थोड़ा सा नॉमिनलेज यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, जो कॉमन आ रहे हो थ्री पॉइंट्स वो देखने हैं। देखो सेम आपने फिगर ऐसे बनाया, ये पॉइंट था आपका डी, ये पॉइंट था आपका कौन सा सी पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था आपका ओ। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक और पॉइंट लगा दो, ए पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे एंगल कौन कौन सा बना, एंगल बना डी ओ ए, डी ओ सी भी लिख सकते हैं, डी ओ ए भी लिख सकते हैं, तो डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे पॉइंट्स इन कॉमन क्या आ गया, पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स ओ ए सी, ओ ए एंड सी, ओ ए एंड सी आर कॉमन, पॉइंट ओ ए और सी कॉमन पॉइंट हो गए इसमें। आपको समझ लग गया किस तरह हम एंगल्स में पॉइंट्स को कॉमन निकाल रहे हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। इसके बाद अगले में बोल रहा है फोर पॉइंट्स इन कॉमन, देखो फोर पॉइंट्स कॉमन भी इसी में आ जाएगा आपका, फोर पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट्स भी इसी में आ जाएंगे, इसी में बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे हमने दो पॉइंट्स लिखे हैं वहीं पे दो एक और पॉइंट आ जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये सेम फिगर हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ओ था, यहां पे ए था, यहां पे आपका सी था और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो, ई लिख दो, यहाँ पे आपका पॉइंट था बी और यहाँ पे पॉइंट था आपका डी। तो यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, एंगल डी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई, और पॉइंट्स इन कॉमन कौन सा आ गया, पॉइंट्स आ गए यहाँ पे ओ ए सी एंड ई, एंड ई आर कॉमन, आर कॉमन, इसमें चार पॉइंट्स कॉमन आ गए। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन क्या है, वन रे इन कॉमन, तो आपको देखो सेम फिगर्स जो बनाए इसी में आपका रे कॉमन भी आ जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बस दर्शाना है कि इसमें रे कौन सी है, आपको पता होना चाहिए रे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपको बताया भी था रे क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए ई पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो वन रे इन कॉमन पूछ रहा है, वन रे इन कॉमन। सबसे पहले आप रे बना दो, रे कैसी होती है आपको पता ही है, ठीक है, रे बना दो आप, सबसे पहले रे बना दो आप, ये आपने बना दी रे,
इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ठीक है, ये हमको पता नहीं है कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, और ये ए है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन एक लाइन बना दो, ये लाइन बना दो एक, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका नाम ए ले लो, अच्छा ए तो हमने ले लिया है, इसका नाम ले लो बी और इसका नाम ले लो सी। अब आप देखिए ये लीनियर पेयर था, ज़रूरी नहीं कि ये ओ बी सी एक लाइन है, मैं यहाँ से खींच देता हूँ, कोई बात नहीं, आप बी सी को रब कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से रे खींच देते हैं हम। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम बी की, अगर बात करें हम एंगल बी ओ ए एंड एंगल सी ओ एंड ए, इसमें रे कौन सी कॉमन आ रही है, ओ ए इज द रे को ऐसे दर्शाते हैं, आपको पता है ना, एक साइड में दर्शाते हैं, ओ इज द कॉमन रे, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट्स कॉमन थे, यहाँ पे हमने रे कॉमन ले ली, और रे को नोमेनक्लेचर के साथ कैसे दर्शाते हैं आपको पता है, एक साइड में एरो नहीं लगता है और एक साइड में एरो लगता है, तो इसको कह देते हैं हम रे, ठीक है। रे आपको समझ लग गया, ये हमें नोमेनक्लेचर में आपको पहले बताया था कि कैसे इसको दर्शाते हैं हम, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको अच्छे से बताया था। इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको कि उसकी सिंबल कैसा होता है, सिंबल रे का होता है, एक साइड में एरो रहती है, दूसरी साइड में कुछ नहीं रहता है, सिंपल लाइन लाइन की तरह लाइन रहती है, ठीक है। अगर वही आपको लाइन लिखा होता, ओ ए लाइन होती तो कैसे रिप्रेजेंट करते, ये था ओ ए लाइन का रिप्रेजेंटेशन, और ओ ए लाइन सेगमेंट अभी हमने बताया ओ ए क्या है, रे है, रे ऐसे है, और लाइन सेगमेंट कैसा हो जाएगा, सिंपल भी लिख सकते हैं और ऐसे सिंपल डैश भी डाल सकते हैं, ये होती है रिप्रेजेंटेशन लाइन रे और ये है लाइन रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है। समझ गए आप, अच्छे समझ गए होंगे, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.4 में हम थोड़े ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल्स को कैसे हम डायग्रामेटिकली कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, उम्मीद करता हूँ आपको समझाया, अच्छे समझ लग गया, अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे दिया होगा, तो वहाँ पे आप जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी क्वेरी हमको मैसेज करें, ताकि हम आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।